أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم एजुकेशनल एक्सपो 2023 आमखास मैदान में रखा गया है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के मुकाबले रखे गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू एजुकेशन सोसाइटी कैसर कॉलोनी औरंगाबाद के ज़ेर इंतज़ाम रज़िया सुल्ताना उर्दू हाई स्कूल सिद्धार्थ नगर हड़को अनबारा औरंगाबाद के इसमें दो तलबा ने बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल की है। पहले नंबर पे बैतुल मदारिस मजमून नवेसी में, दूसरे नंबर पे हमारे स्कूल से नूरीना सलीम, इन्होंने दूसरे नंबर पे आके कामयाबी हासिल की है। इन्हें नगद इनाम 10,000 रुपये ट्रॉफी और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। दूसरे नंबर पे मदीहा रहीम, इन्होंने टॉप 10 में आके कामयाबी हासिल की है मजमून नवेसी में, इन्हें सर्टिफिकेट और ट्रॉफी से नवाजा गया। और साथ ही हमारी दुख्तर सारा शाकिर, इन्होंने भी बैतुल मदारिस मजमून नवेसी में और ड्राइंग कंपटीशन में टॉप 10 में आके कामयाबी हासिल की है। इन्हें मेडल ट्रॉफी और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। जो तुलबा और तालिबात किसी वजह से कामयाब नहीं हो सके, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि वो भी आने वाले साल ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें और पहले दूसरा तीसरा इनाम हासिल करें। और मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगा कि जब तक ना सफल हो नीम चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नीम चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एजुकेशनल एक्सपो की कामयाबी के लिए मैं माइंड्स इन मोशन की पूरी टीम को और ऑर्गेनाइजिंग कमिटी के पूरे मेंबर्स को, फील्ड वर्किंग मेंबर्स को और स्पॉन्सर्स को, मैं सबको हमारे उर्दू एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन जनाब अयूब साहब की तरफ से, सेक्रेटरी अब्दुल रही साहब की तरफ से, राजू गांधी उर्दू प्राइमरी स्कूल के सदर मौलाना शाहिदा आफरीन मैडम की तरफ से और हमारे सभी असातेजा इकराम की तरफ से, मैं एजुकेशनल एक्सपो के तमाम काम करने वालों को मुबारकबाद देता हूँ। आज अगर हमारे वालिद अब्दुल अजीम साहब बानी सदर उर्दू एजुकेशन सोसाइटी औरंगाबाद अगर ये हयात होते तो बहुत खुश होते, और ये जान के उन्हें बहुत खुशी होती कि उनका छोटा सा लगा हुआ पौधा उर्दू एजुकेशन सोसाइटी आज बहुत बड़ा दरख्त बन चुका है। मैं अल्लाह ताला से दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता करे। आमीन सुमा आमीन। सर बताइए। हाँ, मैं जनरल सेक्रेटरी अब्दुल वहीद उर्दू एजुकेशन सोसाइटी औरंगाबाद, ये बच्चियों ने जो इनाम हासिल किया है एक्सपो के अंदर, वाकई ये बहुत ही अहम बात है, और ये बच्चियों ने जो बच्चियों को जिस टीचर ने तैयार किया है उनके लिए भी मुबारकबाद। और इतना ही नहीं बल्कि टॉप 10 और टॉप 10 से जो है फर्स्ट पर आई है, बाद बच्चियां सेकंड पर आई है, इसका क्रेडिट स्कूल के एच एम को भी जाता है और तैयार करने वाली जो मौलिमा है उनको भी जाता है। और ये उर्दू में सोसाइटी किस तरीके से काम कर रही है औरंगाबाद में, इससे जो है तमाम अवाम को जो है आगाह भी होता है इससे। और हमारे चेयरमैन साहब के ज़ेर परसी जो मदारिस चल रहे हैं, ये बहुत ही जिम्मेदाराना तरीके से काम अंजाम दे रहे हैं, इसीलिए मैं तमाम को मुबारकबाद देता हूँ। चेयरमैन साहब शेख मोहम्मद अयूब साहब के ज़ेर सरपरसी चेयरमैनशिप के अंदर, और उसी तरीके से हमारे वाइस चेयरमैन शेख मोहम्मद शागर साहब, इन दोनों की काविशों से जो है उर्दू सोसाइटी रोजाना तरक्की कर रहा है। अलहम्दुलिल्लाह आज हमारे
उर्दू एजुकेशन सोसाइटी के जेर इंतजाम रजिया सुल्ताना उर्दू हाई स्कूल की हमारी जो लड़कियां जिन्होंने दोनों एग्जाम उन्होंने जो कंपटीशन में हिस्सा लिया है और उसके अंदर उन्होंने 10,000 रुपये का कैश प्राइज लिया है, मैं जो है तो उनके हेडमास्टर मोहम्मद शाकिर अब्दुल अजीम साहब और हमारे इस सोसाइटी के वाइस चेयरमैन शाकिर साहब को खास तौर से मुबारकबाद देता हूँ और वहाँ की जो मालूमात है जिन्होंने जो है तो खास तौर से जो है तो इन बच्चों को तैयार किए मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ और मैं जो है तो इन बच्चों के जो है तो सरपरस्त को भी मुबारकबाद देता हूँ और आज हमारे खास तौर से अब्दुल वही साहब जो हमारे इस इदारे के जनरल सेक्रेटरी है ये उनकी जेर सरपरस्ती ये इदारा दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है और तरक्की की तरफ गामजन है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस इदारे को इसी तरीके से फूले और फले। खुदा हाफिज़। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।